सबसे ज्यादा जो होती हैं वो मिडिल क्लास अम्मियां होती हैं। क्या कर रहे हो आजकल? अपने अपने बाबा के साथ बैठो, अपने बहन भाइयों से पूछो, और आप आएंगे उनके पास, कहेंगे मामा मैं थोड़ी देर में ला देता हूँ, कहती लाओ मेरी चादर और मैं ले आती हूँ। जैसी आप कोई हल्की पुल्की हरकत करें, बिल्कुल घूरी आपकी तरफ होती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के, मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो होती हैं वो मिडिल क्लास अम्मियाँ होती हैं। अब मिडिल क्लास अम्मियाँ की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि वो कोई आम अम्मियाँ नहीं होती, वो एक खास टेस्ट के साथ एक खास आँच पे पकी होती हैं। अब उनका तरीकाकार कुछ घर पे इस तरह से होता है कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो उनको ये उलझन होगी कि भाई घर पे बैठे हो, कोई बाहर जाओ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, और अगर बाहर टाइम स्पेंड करें, बाहर घर में काम आए तो कहते हैं भाई क्या कर रहे हो आजकल, अपने अपने बाबा के साथ बैठो, अपने बहन भाइयों से पूछो, उनके हाल हवाल करो, और उसके बाद जो है वो खुद भी इस तरह से आपको पिंच करती रहती हैं। अब लड़कियों के लिए तो ये जो मिडिल क्लास अम्मी होती हैं ये बिल्कुल ही अजीब होती हैं। अब कोई लड़की पूछ ले, खवातीन पूछ ले कि यार अम्मा मैंने ट्रिप पे जाना है, कहेंगी बेटा शादी के बाद जाना, कोई सेंस है इस बात की? इसके बाद अगर वो कह दे कि अम्मा मैंने मूवी देखने जाना है, बेटा शादी के बाद जाना, ये क्या लॉजिक है? अम्मा मैंने सोना है, वो ये भी कह देती हैं बेटा शादी के बाद ही सोना। तो अब मिडिल क्लास अम्मियों के ये मसले चलते रहते हैं। इसके अलावा मिडिल क्लास अम्मियों की एक और खसूसियत होती है, वो है कि वो ब्लैकमेलिंग बड़े अच्छे से करती हैं। अगर आप लेट से के सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वो आप आएंगी कहेंगी बेटा जाओ रोटियां ला दो, आप कहेंगे अम्मा मैं सो रहा हूँ, वो क्या कहेंगी बेटा लाओ मेरी चादर मैं लेके आती हूँ। ये क्या बात हुई? फिर आपको जाना पड़ जाता है, फिर कोई काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, फिर आएंगी कहेंगी बेटा मुझे दही ला दो, और आप आएंगी उनके पास, कहेंगे मामा मैं थोड़ी देर में ला देता हूँ, कहती लाओ मेरी चादर और मैं ले आती हूँ। तो इस तरह से मिडिल क्लास अम्मियाँ ब्लैकमेल भी कर रही होती हैं। अब मिडिल क्लास अम्मियों का एक रोल होता है, वो होता है जब मेहमान आते हैं, पूरा एक स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार किया होता है, मतलब इशारे होते हैं सारे, उनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो इशारे सिर्फ हम पे नहीं अब्बाओं पे भी लागू होते हैं। जैसे कि हमारे लिए क्या होता है कि जब तक मेहमान ना चले जाएं कुछ चीज़ को हाथ नहीं लगाना, जब तक मेहमान कुछ खाने के मेज़ से उठा ना लें आप लोगों ने नहीं खाना, ये भी ठीक है। अब होता क्या है कि मेहमान आते हैं, बैठते हैं, बातें करते रहते हैं, फिर उस कुछ टाइम के बाद मेहमान तो कुछ खा नहीं रहे होते, इतनी देर में हम भी देख रहे होते हैं, वो चाय होती है वो ठंडी हो चुकी होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है वो गर्म हो चुकी होती है, और मेहमानों के चक्कर में हमारी भी रह जाती है। तो ये मिडिल क्लास अम्मियों का इशारा जो होता है वो भी बड़ा फिक्स होता है, वो ऐसे बिल्कुल देख रही होती हैं, जैसे ही आप कोई हल्की पुल्की हरकत करें बिल्कुल घूरी आपकी तरफ होती है, और वो एक इंडिकेशन होता है कि यार मिडिल क्लास अम्मियाँ इस तरह से आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। वो न सिर्फ हमें कंट्रोल कर रही होती हैं, पूरे घर को और हमारे वालिद साहब को भी वही कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन वो प्यार, ये तो उनकी चंद एक क्यूट बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करना चाह रहा था। बाकी माएँ जो होती हैं वो हमेशा एक साए की तरह घर पे रहती हैं, और वो अपनी परवरिश से अपनी सुकून ख़राब करके लेकिन हमें सुकून दे रही होती हैं, हमारे लिए मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। तो सब लोग अपनी अम्मियों के साथ बहुत प्यार करें, और अगर आज ही उनके साथ बस एक प्यार शो भी करें, उनके लिए थोड़ी सी एफर्ट करें उनके लिए, ताकि उनको लगे भी कि जो क्यूट बातें वो करती हैं उनका उनको रिवॉर्ड भी साथ साथ उनके बच्चे देते हैं। आप उनके साथ कुछ देर बैठ सकते हैं ताकि वो अच्छा फील करें, बेइंतहा जो आपके दिल में प्यार है उसको एक्सप्रेस करने, उनका ख्याल रखने, और उनके लिए थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी है, वो एफर्ट आपने अपनी हैसियत के मुताबिक करनी है। तो जो उनकी क्यूट बातें हैं उनको आपने प्यार समझ के एब्जॉर्ब करना है। अगर कभी भी आप लोगों को लगे कि वो सख्त हो रही हैं तो आपका फ़ायदा होगा। अब वीडियो को एंड करते हैं हम एक शेर के ऊपर, इरशाद। वो शेर इस तरह से है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक दफ़ा कहा था माँ मुझे डर लगता है। तो माँ का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।